हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो दोस्तों, जो मदर है जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को माँ के दूध की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस बताई गई है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो मोस्टली ये बोलते हैं कि बच्चे को जितनी जल्दी हो सके माँ का दूध पिलाइए। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है बच्चे की हेल्थ पे, और कैसे ये बच्चे को एक तरह से फ्यूचर में हेल्प करती है डिजीजेस को प्रिवेंट करने में, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल जनरल है, ऐसा नहीं है कि कुछ हम बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंसेज की डिटेल में जाएंगे और बहुत ज़्यादा मिन्यूट डिटेल्स देखेंगे ये कैसे बेनिफिट होता है। बिल्कुल ही जनरल पर्सपेक्टिव, एक आम आदमी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, इम्पोर्टेंस की बात है, सबसे पहले इम्पोर्टेंस की बात हम करें तो दोस्तों, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वेज है बच्चे की हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। बिकॉज दोस्तों, जो आपकी वैक्सीनेशन है जहाँ आपकी इम्यूनाइजेशन है उसमें कुछ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है, मतलब उस पर आपको स्पेंड करोगे आप तभी आपके बच्चे को वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन मिलेगी। लेकिन जो मदर का दूध होता है, जो मदर का मिल्क होता है, उसमें नेचुरली ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो बच्चे के लिए एक तरह से नेचुरल वैक्सीनेशन का काम करते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वेज है बच्चे की हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। और अगली बात अगर हम करें तो आपका जो यूनिसेफ है तो उसमें उन्होंने पाया कि हर साल 7 मिलियन बच्चों की डेथ हो जाती है, और मेनली उसका रीज़न क्या है, डिजीज़ लाइक निमोनिया एंड डायरिया जो प्रिवेंटेबल हैं। तो 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोग पूरी दुनिया में 5 साल के कम उम्र के, उनकी हर साल डेथ होती है ड्यू टू द रीजंस ऑफ डायरिया और निमोनिया, जो कि प्रिवेंटेबल है, जिनको हम रोक सकते हैं। और मोस्टली उसका निमोनिया और डायरिया जो होता है वो बच्चों को तब होता है जब उनकी हेल्थ और उनका अंदर का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो सर्टनली जो मदर की जो आपके डॉक्टर्स हैं, चाहे जो हेल्थ पॉलिसी मेकर्स हैं, वो निमोनिया और डायरिया को एलिमिनेट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करना चाहिए। बिकॉज अगर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट की और 6 मंथ के लिए एक्सक्लूसिवली बच्चे को माँ का दूध पिलाया गया तो उसमें उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम में कैपेबिलिटी होगी निमोनिया और डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की और उनको प्रिवेंट करने की। तो आप देख सकते हो कि 70 लाख बच्चे इससे सफ़र करते हैं ऐसे ऐसे अगर हम इग्नोरेंट वे से चले। तो दोस्तों, अगली बात जो है, अगर आप अर्ली और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो बच्चे की जो एक तरह से सर्वाइवल रेट है वो भी बढ़ जाता है, और इनफैक्ट हेल्दी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस की अच्छी एक तरह से कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बच्चा बातों को जल्दी समझ पाता है और उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट भी बढ़ जाती हैं। तो ये देखा गया है। तो दोस्तों, अब हम थोड़ी सी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। तो देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा लिए गए हैं, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो आपकी या यूनिसेफ हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा उठाया गया है। तो ये पाया गया दोस्तों कि अगर बच्चे को पहले बर्थ के पहले घंटे में माँ का दूध पिलाया जाए तो जो डेथ्स होती हैं इन्फेंट्स की, न्यू बॉर्न डेथ्स होती हैं, वो 20% से कम की जा सकती हैं। मतलब अगर 100 डेथ्स होती हैं तो उनको 80 पे लाया जा सकता है। तो 20% इज़ अ बिग नंबर, इट इज़ अ बिग परसेंटेज। तो दोस्तों, इन्फेंट्स की भी अगर हम बात करें, जो जिनको माँ का दूध जल्दी नहीं पिलाया जाता या कम पिलाया जाता है फर्स्ट 6 मंथ्स में, वो ये पाया गया कि वो 15 टाइम ज़्यादा लाइकली थे निमोनिया से सफ़र करने के लिए और 11 टाइम ज़्यादा लाइकली थे डायरिया से उनकी डेथ होने की देन द चिल्ड्रन जिनको एक्सक्लूसिवली माँ का दूध पिलाया गया। तो सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है कि जल्दी माँ का दूध इनिशिएट किया जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहले 6 मंथ्स में बच्चों को कुछ ना दिया जाए और बस सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। तो ये जो है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो डायरिया है और आपका निमोनिया है, ये 2 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ है इन चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर हम इंडिया की भी बात करें, इंडिया में भी 260,990 डेथ्स
अंडर द 5 ईयर्स ऑफ एज जो हुई हैं 2016 में, वो बेसिकली किससे हुई हैं? निमोनिया से और डायरिया से हुई हैं। और इनफैक्ट इंडिया ने तो टॉप किया है इस चीज़ में, तो एक तरह से ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे जो बच्चे हैं इंडिया में, वो लगभग 2.5 लाख बच्चे जो निमोनिया और डायरिया से उनकी डेथ हो जाती है, और हम निमोनिया और डायरिया रिलेटेड डेथ्स में सभी कंट्रीज से ऊपर हैं। तो इसमें देखिए आपको ब्रेकअप भी दिया गया, आप देख सकते हो। तो ये मेरा खुद का डाटा नहीं है, ये आपके इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर है, उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की थी, तो उसमें ये देखा गया। तो इस रिपोर्ट में अब अगर आप देखिए, तो अगर हम बच्चे को माँ का दूध जल्दी पिलाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे को ये प्रॉब्लम्स कम होंगी, और सर्टनली जो 2.5 लाख डेथ्स हो रही हैं उसको हम डिक्रीज करें कर पाएंगे। तो इसी की वजह से ये भी है कि देखिए दोस्तों, जिन बच्चों को माँ का दूध जल्दी नहीं मिल पाता, उनमें ये भी देखा गया है कि वो उनको और क्रॉनिक डिजीजेज की भी उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, एलर्जीज, अस्थमा, चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो इनफैक्ट दोस्तों, यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट थी बेसिकली उस पे कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पे रिपोर्ट थी, कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं उन्होंने रैंक किया कि कितनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग वहां पे इनिशिएट हो जाती है, और इंडिया की पोजीशन कुछ खास अच्छी नहीं आई, और हम 56th पोजीशन में थे अमंग द 76 कंट्रीज। तो हमारी पोजीशन जो थी वो ऐसी कंट्रीज से भी पीछे थी, जैसे कजाकिस्तान हो गया, रवांडा हो गया, भूटान हो गया, यूरुग्वे हो गया, तो उनसे भी हम पीछे थे। तो इनफैक्ट ये लिस्ट जो टॉप की गई है वो हमारे बिल्कुल नेबरहुड में कंट्री है श्रीलंका, तो उन्होंने ये टॉप की है। तो ऐसी कंट्रीज से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको भी कम कर सकें, और जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इंडिया में, माल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो बेसिकली ये वीडियो का पर्पज़ था बेसिकली आपको इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज करना, और आप में अवेयरनेस लेके आनी कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। और आपके सर्टनली ये अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो स्पेशली यूपीएससी की, तो आपको ये बेनिफिट देगी ये वीडियो, बिकॉज आप डाटा वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए ये डाटा यूज़ कर सकते हो। तो यही दोस्तों आज की वीडियो के बारे में था। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ये फ़ोन नंबर है, आप यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारी ईमेल आईडी है achieveies21@gmail.com। तो शुक्रिया दोस्तों, बस एक चीज़ हमारे लिए कर दीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाएँ, और उनके जो बच्चे हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं वो ऐसे रिस्क को वल्नरेबल ना हो। तो एक तरह से ये भले का ही काम है, अगर आप करोगे तो हम बहुत हमारा एफर्ट का एक तरह से फ्रूटफुल हो जाएगा। तो शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज़, थैंक यू।